नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश से कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने की मुलाकात। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर कसा तंज। एनसीपी के पोस्टर से गायब हुआ अजीत पवार का नाम। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को कह दिया पलटू मार। रक्षा मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश से कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने की मुलाकात। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं आज कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के द्वारा कहा गया कि उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और इस दौरान उन दोनों के बीच राजनीतिक बातचीत हुई है। हालांकि अपनी बातचीत को लेकर उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके पुराने दोस्त हैं और वह उनसे मिलने के लिए और उनके कामों की सराहना करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम को नमस्कार करना सबका दायित्व होता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम कोई संत तो नहीं है, अगर दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातें तो होती ही है। बता दें, कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सीएम नीतीश के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी और टीएमसी ने कह दी ये बात। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को राजनीति की हवा किस ओर ले जाएगी, इस बात को खुद मुकुल रॉय भी नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल बीते ही दिनों उन्होंने बीजेपी में वापस आने का ऐलान किया था, पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि अब बीजेपी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। वहीं मुकुल रॉय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें मुकुल रॉय की कोई परवाह नहीं है। एक समय था जब मुकुल रॉय को बंगाल के राजनीति का सियासी खिलाड़ी माना जाता था। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर कसा तंज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज पदयात्रा पर हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने आरजेडी और बिहार के उपमुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी से ज्यादा अपराध करने वाला पार्टी देश में और कोई पार्टी नहीं हो सकता। उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि यहां के लोगों को मूर्ख समझा जा सकता है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव मुझसे अच्छे से इंग्लिश और फ्रेंच में बोल सकते हैं? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमसे अच्छा भोजपुरी बोल सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को ना तो ठीक से इंग्लिश आती है और ना ही ठीक से भोजपुरी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनके पास किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। जब तेजस्वी से रोजगार से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बीजेपी को रोको, और जब बालू माफिया के बारे में पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं। एनसीपी के पोस्टर से गायब हुआ अजीत पवार का नाम। कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुंबई में शुक्रवार को आयोजन किया जाने वाला है, लेकिन इससे पहले ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आयोजन के लिए जारी होने वाली लीफलेट या पोस्टर में हर छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक के नाम शामिल है, लेकिन इसमें अजीत पवार का नाम ही गायब है। बता दें कि होने वाले शिविर की अध्यक्षता खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर होने वाला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि अजीत पवार का नाम ऐसे बड़े कार्यक्रम के पोस्टर में शामिल नहीं किया गया। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं पार्टी अजीत पवार को साइड तो नहीं कर रही या ऐसे माहौल तो नहीं बनाए जा रहे जिससे अजीत स्वयं ही पार्टी को छोड़ दे। बीजेपी में शामिल होंगे राजद के ये नेता। खबर मिली थी कि राजद पार्टी के एक कार्यकर्ता रामराज यादव की बंद कमरे में पिटाई के आरोप बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पर लगे थे। दरअसल यह मामला एक साल पुराना है। तेज प्रताप यादव पर कार्यवाही करने की मांग भी रामराज यादव के तरफ से किए गए थे, लेकिन तेज प्रताप पर किसी प्रकार के कार्यवाही की बात सामने नहीं आई थी। अब उस कार्यकर्ता का बयान सामने आया है। दरअसल एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत के दौरान रामराज यादव द्वारा कहा गया कि बीजेपी के तरफ से समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। कांग्रेस के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के लिए भाजपा ने बुलाई बैठक। कांग्रेस के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का फैसला भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में वीर शैव लिंगायत नेताओं की एक बैठक में लिया गया है। यह बैठक येदियुरप्पा के आवास पर किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार सीएम के रूप में कांग्रेस द्वारा लिंगायत समुदाय के नेता को प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बता दें कि इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जब से जगदीश सिटार और लक्ष्मण सावदी भाजपा छोड़कर गए हैं, ये दोनों ही भाजपा के दो बड़े नेता थे जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बैठक में इस बात को प्रचार में शामिल करने पर जोर दिया गया है कि यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो लिंगायत समाज से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को चुना जाएगा। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को कह दिया पलटू मार।
कठोर सजा का प्रावधान करते हुए बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया। सारण में जहरीली शराब से हुए मौत पर नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कहा गया था कि जो पिएगा वो मरेगा। अब कुछ दिनों पहले ही मोतिहारी में जहरीली शराब से हुए मौत पर नीतीश कुमार द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई थी, जिस पर खूब सियासी घमासान देखने को मिला। अब एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर पलटू मार कहा गया है। बता दें कि सम्राट अपने 2 दिवसीय यात्रा पर मुंगेर पहुंचे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार यदि सुशासन नहीं दे सकते तो सीएम बने रहने का उन्हें 1 घंटा भी अधिकार नहीं है। क्लाइमेट चेंज को लेकर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने कही ये बात। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर दुनिया बुद्ध की शिक्षा पर चलता तो आज क्लाइमेट चेंज जैसा संकट नहीं आता। कुछ देशों ने पिछली शताब्दी में आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए संकट आया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि लोग और राष्ट्र अपने हितों के साथ साथ वैश्विक हितों को भी प्राथमिकता दे। साथ ही उन्होंने अपने सरकार के कई कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बुद्ध के विचारों का प्रचार करने का निरंतर प्रयास किया है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर उठाए सवाल। पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह निशाना साध रहे हैं। दरअसल उन्होंने शराबबंदी और पटना के बीटा में हुए बालू माफिया के दबंगई पर कई सवाल खड़े किए थे और अब उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है वाली बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा का बुरा हाल। नीतीश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी विश्व विख्यात संस्थाएं बिहार में ही थी। भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी भी यहां ज्ञान अर्जन करते थे। आपको पता है ना नीतीश बाबू कि आज बिहार में एक भी शैक्षणिक संस्थान भी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। शरद पवार ने गौतम अदानी से की मुलाकात। महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दरअसल शरद पवार की राजनीति को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार की संभावनाओं के बीच सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। वहीं अब इसी बीच कारोबारी गौतम अदानी से शरद पवार ने मुलाकात की है। मिली जानकारी के अनुसार गौतम अदानी मुंबई स्थित शरद पवार के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन यह मुलाकात क्यों हुई है इस बात की अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी तेज थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहकर साफ कर दिया था कि मैं हलफनामा लिखकर दे सकता हूं कि मैं एनसीपी में ही रहूंगा। बता दें कि मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब शरद पवार द्वारा अदानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष के रुख से अलग स्टैंड अख्तियार किया था। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई में फिर से आई बाधा। पूर्व सांसद आनंद मोहन लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन अब उनके रिहाई का रास्ता साफ नजर आ रहा है। दरअसल कानून में बिहार सरकार द्वारा संशोधन पर उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जो आनंद मोहन की रिहाई में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। दरअसल बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(1) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। बता दें कि संशोधन के बाद यदि किसी सरकारी सेवक की हत्या होती है तो यह भी एक साधारण हत्या ही मानी जाएगी। एक सरकारी सेवक डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन अब तक 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, पर अब तक उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस संशोधन के बाद उनके रिहाई के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब इस मामले के विरोध देखने को मिल रहे हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास द्वारा उच्च न्यायालय जाने की बात कही गई है। राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा ने कही ये बात। राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सूरत की सेंसस कोर्ट ने मानहानि मामले में खारिज कर दी है। अब इस मामले पर भाजपा नेता संबित पात्रा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है और खासकर राहुल गांधी के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि कानून सभी के लिए समान है। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता है यदि उन्हें सेंसस कोर्ट की तरफ से राहत दी जाती, लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट की तरफ रुख करना होगा। बीजेपी विधायक पर लगे अधिकारी से मारपीट के आरोप। अधिकारी से मारपीट के आरोप बीजेपी विधायक राजू सिंह पर लगाए गए हैं, जिसे लेकर अब प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। वहीं अब इस मामले पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी द्वारा कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है, पर बीजेपी के विधायक द्वारा जो किया गया है वह ठीक नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि क्या मामला था क्या नहीं यह तो जल्द ही जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो बात सामने आई है उससे बीजेपी का चाल चरित्र उजागर हो गया है।
तेज प्रताप को धमकी देने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी देने वाली बात सामने आई थी। बता दें कि फोन पर धमकी देने वाले उस शख्स को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। शख्स की पहचान सुनील मंडल के नाम से हुई है, जो कि औरंगाबाद के कामा बेघा का रहने वाला है। धमकी देने वाले शख्स के तरफ से भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि धमकी उसी शख्स द्वारा दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस युवक ने खुद को राजद के किसी विधायक का रिश्तेदार भी बताया है। ये युवक राजद का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है। गिरफ्तार हुए युवक ने यह भी बताया है कि उसके पिता चंद्रदीप मंडल ने अपनी जीवन लालू द्वारा बनाने के लिए दे दी, जिससे पूरे परिवार की जीविका चला करती थी। बता दें कि इन बातों का खुलासा उसने न्यायिक हिरासत में भेजाने के दौरान किया। रक्षा मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं अब इस कोरोना वायरस के प्रकोप में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ गए हैं। दरअसल ये खबर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी कि गुरुवार को जब उनका कोरोना रिपोर्ट आया, तब इस बात की जानकारी सामने आई कि वह कोरोना पॉजिटिव है। फिलहाल वह क्वारंटाइन है और उनका इलाज चल रहा है। मालूम हो कि अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह आज दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के कारण वह भाग नहीं ले सके। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौशद राजा, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।